हेलो एवरीवन, मैं यहाँ आप लोगों के लिए लाई हूँ करंट अफेयर्स 2019 से रिलेटेड कुछ वन लाइनर्स जो कि हमारे यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 और अन्य हमारी जो एक दिवसीय परीक्षा होती हैं जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे एवं जो अन्य हमारे स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। आइए इसको देख लेते हैं। तो ये जो हमारा आज का वीडियो होगा ये हमारे चर्चित स्थलों से संबंधित होगा। सामान्यतः कहीं पर कोई सम्मेलन होता है, कोई घटना होती है या कुछ अन्य गतिविधि होती है तो वह जो प्लेस होता है वो चर्चित हो जाता है, यानी कि जो क्वेश्चन ही आ जाता है कि ऑफन सीन इन द न्यूज़, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे सारे हमें प्रश्न एक जगह पर मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 6 सितंबर 2019 को किस स्थान को भारत का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ ऐतिहासिक स्थल के रूप में चुना गया? आंसर है माता वैष्णो देवी मंदिर, जम्मू कश्मीर। अगस्त 2019 में किस देश द्वारा 21 वर्ष से अधिक आयु की औरतों को बिना पुरुष अभिभावक की अनुमति के विदेश यात्राओं हेतु वीज़ा प्रदान किए जाने की अनुमति प्रदान की गई? आंसर है सऊदी अरब। 17 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग कहाँ के पीएम है ये भूटान के? इन्होंने थिम्पू में स्थापित दक्षिण एशियाई उपग्रह भू केंद्र अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया गया। यह केंद्र किसके द्वारा निर्मित किया गया, यानी इसको डिज़ाइन किसने किया है? तो डिज़ाइन किया है अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। नागालैंड राज्य पुलिस विभाग का पहला साइबर प्रयोगशाला सह प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर है दीमापुर जिले के चुमकेदिया में। दीमापुर जिले के चुमकेदिया में क्या स्टैब्लिश किया गया है? साइबर प्रयोगशाला सह प्रशिक्षण केंद्र। 13 अगस्त 2019 को 16वीं शताब्दी के संत और समाज सुधारक श्री चैतन्य प्रभा महाप्रभु के जीवन को समर्पित विश्व का पहला संग्रहालय यानी कि जो म्यूजियम है इसका नाम रखा गया है श्री श्री चैतन्य महाप्रभु संग्रहालय कोलकाता में खोला गया। इसका जो डिज़ाइन है ये किसने किया? राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कहाँ खोला जा रहा है? कोलकाता में। किसको समर्पित है? चैतन्य महाप्रभु। ये जो हमारा भक्ति आंदोलन होता था उससे संबंधित एक महान व्यक्तित्व है। नेक्स्ट है 15 अगस्त 2019 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी ने राज्य में दो नए जिले सृजित करने की घोषणा की, यानी तमिलनाडु में दो नए जिले बनने वाले हैं। इनका नाम क्या है? रानीपेट और तिरुपतूर। रानीपेट और तिरुपतूर कहाँ बनेंगे? तमिलनाडु में। भारत के पहले निजी अंतरिक्ष विज्ञान संग्रहालय की स्थापना हैदराबाद में बिड़ला विज्ञान केंद्र द्वारा किसके सहयोग से की गई है? इसरो, यानी कि जो हमारा इसरो है, इसरो प्लस किसके द्वारा? बिरला विज्ञान केंद्र। तो ये लोग क्या बनाने जा रहे हैं? भारत का पहला निजी अंतरिक्ष विज्ञान संग्रहालय। मुंबई महाराष्ट्र में किसके सहयोग से विश्व स्तरीय भारतीय कौशल संस्थान यानी कि वर्ल्ड लेवल का स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया जा रहा है? टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा। टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा। 13 अगस्त 2019 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में नव निर्मित दारथ दारथ क्या है? एक स्टील स्मारक है जो कि उड़ीसा के लोगों को समर्पित किया। यह स्टील स्मारक भुवनेश्वर प्राधिकरण के सहयोग से किसके द्वारा बनाया गया? तो टाटा स्टील ने ही इसको बनाया है। क्या है, कहाँ पर है? उड़ीसा में है। दारथ स्मारक यानी कि मेमोरियल। भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन परियोजना कलकत्ता में शुरू की गई। कोलकाता में शुरू की गई पहली अंडर वाटर ट्रेन प्रोजेक्ट जो है, तो किस नदी में है यह? तो यह है हुगली नदी में। हाल ही में नेपाल के मनांग जिले में काजिन सारा झील की खोज की गई। इस झील को स्थानीय लोग किस नाम से पुकारते हैं? तो इस झील को जो स्थानीय लोग होते हैं नेपाल के लोग, वो इसे सिंगार कहते हैं। सिंगार नेपाल के मनांग जिले में काजिन सारा झील, जिसे स्थानीय लोग सिंगार कहते हैं। भारत के पहले केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी, किस राज्य में? तो इसकी स्थापना गुजरात में की जाएगी। 1 अगस्त 2019 को मेकोंग गंगा सहयोग संगठन की 10वीं मंत्रिमंडलीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये हुई की बैंकॉक थाईलैंड में। तो जो मेकोंग गंगा जो प्रोजेक्ट है, जो हमारे आसियान कंट्री होते हैं, तो उसमें जो अपर फाइव है, मीन्स क्या, जो एशिया कंटिनेंट से जो अटैच्ड हैं, जो अलग है वो नहीं, जो अटैच्ड हैं
उन लोग का है, क्योंकि यहीं पर हमारी जो मेकोंग नदी है और जो गंगा नदी है वो यहाँ पर बहती है। तो ये कल्चरल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक मतलब संगठन है। 1 अगस्त 2019 को किस देश में सार्वजनिक स्थलों पर बुर्का या नकाब जैसा चेहरा ढकने वाले परिधानों को पहनकर आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो आंसर है नीदरलैंड। नीदरलैंड पे मना कर दिया गया है पब्लिक प्लेसेस पर बुर्का या हिजाब जैसे ड्रेसेस। जुलाई 2019 में पाकिस्तान ने 1000 वर्ष पुराने शिवाला तेजा सिंह मंदिर को विभाजन के 72 वर्षों बाद खोला। यह मंदिर पाकिस्तान के किस शहर में है? तो यह है सियालकोट में। सियालकोट में शिवाला तेजा सिंह मंदिर 72 वर्षों बाद खोला है। नेक्स्ट है, पश्मीना प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यह हमारे लेह में पश्मीना प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। 31 जुलाई 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कहाँ इसरो तकनीकी संपर्क यानी कि इसरो टेक्नोलॉजिकल संपर्क इकाई की स्थापना है तो मंजूरी प्रदान की गई? तो आंसर है मॉस्को, रूस। जुलाई 2019 में अल्तामीरा जेल में कैदियों के दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में 57 कैदियों की मृत्यु हो गई। यह जेल कहाँ स्थित है? तो यह जेल जो जेल है वो स्थित है पारा राज्य ब्राजील में। ब्राजील में थी ये जेल अल्तामीरा, जहाँ पर 57 कैदियों की झड़प में मृत्यु हो गई। 27 जुलाई 2019 को केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र शेखावत ने 2.5 लाख पंचायतों के लिए क्षमता सुदृढ़ीकरण पहल का शुभारंभ कहाँ किया? तो ये किया है रांची, झारखंड में। 29 जुलाई 2019 को सातवीं आर्थिक गणना की शुरुआत किस राज्य में हुई? सातवीं आर्थिक गणना की शुरुआत हुई है त्रिपुरा में। अच्छा, इस बार से मैं ये जो डेट है और जो मंथ है, जो ईयर है, वो हम रिपीट नहीं करेंगे। हम लोग सीधे जो फैक्ट है उसको देखते हैं। ठीक, बंगलुरु स्थित इन्फोसिस ने अपना नया साइबर रक्षा केंद्र कहाँ खोला है? इन्फोसिस ने अपना नया साइबर रक्षा केंद्र कहाँ खोला है? तो इसका आंसर है बुखारेस्ट, रोमानिया। बुखारेस्ट कहाँ पर है? रोमानिया में। इसको हमें पता होना चाहिए, इसकी जो लोकेशन है ना, ये भी आप लोग मैप में एक बार ट्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2019 में किस राज्य के सचिवालय का नाम बदलकर लोक सेवा भवन रखा गया? किस राज्य में सचिवालय का नाम लोक सेवा भवन रखा गया? आंसर है उड़ीसा। वेस्टर्न रेलवे महालक्ष्मी जनरल स्टैंडर्ड्स स्टोर्स डिपो द्वारा अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी कहाँ खोली गई है? मुंबई में। हेरिटेज गैलरी जो है, प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी खोली गई है मुंबई में। अमेरिकी ऑनलाइन भुगतान समाधान प्रदाता कंपनी पेपॉल ने भारत में अपना तीसरा वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ खोला है? आंसर है हैदराबाद। तो पेपॉल क्या है? अमेरिकी ऑनलाइन भुगतान समाधान प्रदाता कंपनी। नेक्स्ट है, विप्रो ने कहाँ पर वैश्विक डिजिटल उत्पादन अनुपालन प्रयोगशाला यानी कि ग्लोबल डिजिटल प्रोडक्ट कॉम्प्लाइंसेस लैब शुरू करने की घोषणा की है? आंसर है हैदराबाद। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 76वां देश कौन बन गया है? आंसर है पलाऊ। अच्छा, हमें पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर है वो हमारे इंडिया में ही है, पता है? ये है हमारा गुरुग्राम, हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है ISA का। जुलाई 2019 में किस देश में आउटगोइंग नागरिक उड़ान विमानों पर इको टैक्स यानी कि ग्रीन टैक्स लगाने का निर्णय लिया गया है? आंसर है फ्रांस। फ्रांस ने निर्णय लिया है इको टैक्स या ग्रीन टैक्स लगाने का। WHO ने किस देश में घातक इबोला रोग के फैलने के मामले लगातार सामने आने के बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा स्थिति घोषित कर दिया? तो इबोला कहाँ सामने आया बढ़ चढ़ कर? इसका आंसर है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, कांगो रिपब्लिक। नेक्स्ट है, 9 जुलाई 2019 को WHO ने किस देश को खसरा मुक्त घोषित किया, यानी कि पूछ सकता है कि हाल ही में किस कंट्री को खसरा मुक्त घोषित किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। यूनेस्को ने 4000 वर्ष पुराने मेसोपोटामियाई शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया, किस शहर को? बेबीलोन को। नेक्स्ट है, श्रीलंका में मॉडल विलेज के तहत भारत की सहायता से निर्मित पहले मॉडल गांव का उद्घाटन किया गया, इस मॉडल गांव का नाम क्या है? इसका आंसर है रानी दुगामा या गंपहा। तो कहां पर है ये? श्रीलंका में। क्या है ये? एक मॉडल विलेज है। विश्व का सबसे बड़ा बर्न और प्लास्टिक सर्जरी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर है ढाका, बांग्लादेश में। ढाका बांग्लादेश में स्टैब्लिश किया गया है विश्व का सबसे बड़ा बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी संस्थान। भारत का पहला डिजाइन डेवलपमेंट केंद्र
फैशियोनोवा, फैशियोनोवा कहाँ शुरू किया गया है? टेक्सटाइल सिटी सूरत में। नेक्स्ट है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने पायलट आधार पर अपने पहले आधार सेवा केंद्र का संचालन कहाँ किया है? तो आधार सेवा केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? दिल्ली और विजयवाड़ा में। दिल्ली और विजयवाड़ा में क्या शुरू किया गया है? आधार सेवा केंद्र। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? आंसर है जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी भी है। राष्ट्रीय उद्यान में 82 किस राष्ट्रीय उद्यान में 82 सदस्यीय विशेष राइनो सुरक्षा बल की तैनाती की गई है? राइनो यानी कि जो गैंडे होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए अपॉइंट किया गया है 22 सदस्यों को, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय तटरक्षक बल के पांचवें भर्ती केंद्र का शिलान्यास कहाँ किया? देहरादून में। एग्जिम द्वारा प्रति 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता के माध्यम से निर्मित महात्मा गांधी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी पार्क आईटी एंड बायोटेक्नोलॉजी हेतु समर्पित एक मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि फ्री ट्रेड एरिया का उद्घाटन किस देश में किया गया? आंसर है आइवरी कोस्ट, ग्रैंड परसाम में। न्यू नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि जो हमारा नाफ्टा है का समर्थन करने वाला पहला देश कौन बन गया है? मैक्सिको। बांग्लादेश की पहली लौह अयस्क खदान की खोज कहाँ की गई है? तो ईसबपुर गांव, दिनाजपुर में। ईसबपुर गांव है बांग्लादेश का, जहाँ पर बांग्लादेश की पहली लौह अयस्क खदान की खोज की गई है। पर्यावरण दिवस पर यानी कि जो 5 जून को हुआ होगा, वहाँ पर नागालैंड में किस घाटी को आधिकारिक तौर पर प्लास्टिक फ्री घोषित किया गया? तो जो जुकू वैली है, जुकू वैली कहाँ है ये भी पूछ सकता है, तो आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड। तो इसे क्या घोषित किया गया है? प्लास्टिक फ्री एरिया। जून 2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किस जिले में व्यापक पैमाने पर इस वर्ष काजू की बगीचे लगाने की घोषणा की है? तो एमपी का एक बैतूल नाम का जिला होता है जहाँ पर बड़े पैमाने पर काजू को बोया जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने पर्यावरण की रक्षा है तो एक प्रमुख रणनीति के हिस्से के रूप में 2030 तक देश में नए पेट्रोल और डीजल वाहनों की खरीद और बिक्री पर रोक लगाने की योजना बनाई है? तो आंसर है इसका आयरलैंड। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो करना है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।